उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और मुरादाबाद पुलिस उनके खिलाफ एक साजिश रचकर उनकी हत्या करा सकती है। इस पूरे प्रकरण की शिकायत उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ में की गई है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाने वाले और वहाँ पर मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों से हमदर्दी जताकर 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का ऐलान करने वाले मुरादाबाद निवासी हाजी सगीर सईद ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस पुराने मुकदमों में उनकी हत्या करा सकती है। इन्हें मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इसकी साजिश रच रही है। वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हालांकि वो एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाजी सगीर सईद ने स्थानीय पुलिस पर पैसे लूटने का भी आरोप लगाया है। इनका कहना है कि इस भाजपा की सरकार में नहीं लगता किसी अल्पसंख्यक की कोई सुनवाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ से अपील की है और एक प्रेस वार्ता का कैमरे के सामने बोलते हुए कहा कि इसके वरिष्ठ लीडर है, आज आपने अपने घर पे प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मुरादाबाद का हमारा उत्पीड़न कर रहा है और पुलिस प्रशासन ने यहाँ दबिश दी और हमें बताया कि हम ये आदेश हुए हैं कि आपको मुख्यमंत्री ने कहा कि जान से मार दें और या गंभीर मुकदमों में आपको फंसा दें और मुख्यमंत्री के द्वारा हमें मरवाने की नाकाम कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि हम विधानसभा का 2022 का चुनाव लड़ना चाहते थे और हमारी फ्लैक्सी भी सब शहर में लग गई थी, जनता भी हमें चाह रही है कि हम चुनाव लड़ें, इसलिए हम मैदान में आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को ये पता चलते ही कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ से मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। इससे पहले 2016 में मेरे ऊपर 2000 में मेरे ऊपर 3 मुकदमे लगे थे जो एक ही दिन में ईदगाह पर लगा दिए गए थे। जब ईदगाह के ऊपर बिजली के खंभे लगाए जा रहे थे तो एक ही दिन में 3 मुकदमे मुझको लगे थे, लेकिन उन 3 मुकदमों में मैं दोषमुक्त हो गया था उसके बावजूद और मुझे हाई कोर्ट ने अब हिस्ट्री शीटर मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दे दिया कि आप जो है हिस्ट्री शीटर नहीं हो सकते और फौरन थाने को आदेश दिए कि SP को आदेश दिए कि भाई यहाँ से फौरन इनका नाम हिस्ट्री शीट से डिलीट किया जाए और इन्हें हिस्ट्री शीटर नहीं मान सकते क्योंकि ना तो इन्होंने कोई लूट की है, ना कोई डकैती डाली है, ना कोई मर्डर किया है, ना ही इन्होंने कोई बलात्कार किया है। तो ऐसे लोगों को जिसमें ये केस ना हो तो हिस्ट्री शीटर में नहीं रखते हैं। लेकिन आपने राजनीतिक 3 मुकदमे लगे जिसमें ये दोष मुक्त हो गए, उसके बाद भी आपने हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। जब हमने हाईकोर्ट का ऑर्डर लाकर पुलिस को दिया तो पुलिस ने वो उठाकर फाड़कर फेंक दिया, बोले हाईकोर्ट का कोई आदेश हम नहीं मानते हैं। और बराबर पुलिस हमारे घर पर आती रही हमसे, हम जब हमारे बहुत मारा पीटा, हमें हमारे परिवार को भी बहुत गंभीर चोटें आई तो हमने कहा भाई इनसे जान बचाने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि भैया ये जो कहते हैं वही कर लो। तो उन्होंने कहा हमें 5,000 रुपया महीना चाहिए, हम 5,000 रुपया महीना देते रहे। हमारी मिसिस की पहले सरकारी नौकर थी जो सैलरी आती थी उसे भी पुलिस छीन कर ले जाती थी, उसके बाद हमारी मिसिस उसी गम में इस दुनिया से चली गई और पुलिस ने उन्हें मार डाला। मैं आपको बता दूं कि आज फिर पुलिस हमारा 3 दिन पहले फिर पुलिस की दबिश आई थी और उत्पीड़न कर रही थी कि अब 10,000 रुपया महीना लेंगे हम इसकी शीटर की निगरानी का बढ़ाने का तुम्हारे ऊपर। तो मैंने कहा भाई मैं अब तक गरीब हो गया हूँ, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10,000 रुपया महीना दे सकूँ, अपने ऐसों को जाके बता दीजिए। आपके ऊपर टोटल कितने मुकदमे मेरे ऊपर 3 मुकदमे राजनीतिक तौर पर ईदगाह पर लगे थे, उन तीनों में मैं दोषमुक्त हो चुका हूँ। मेरे पास अपनी कॉपी है, आदेश है अदालत के, और एक मुकदमा मेरे पास 1995 में लगा था जिसमें 323, 504, 506 का था, जब मैं मेयर का चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान से लड़ रहा था तो उस वक्त राजा राम पाल जी ने एक मुकदमा लगा दिया था, लेकिन उसमें भी मेरी जमानत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मेरे घर में घुस गई थी और मुझे छत से उठाकर फेंक दिया था जो उसका वारंट निकलवा के। आज उस मुकदमे का मुझे पता नहीं चल रहा है, उसका मुकदमे का जरूर वारंट कहीं ना कहीं पुलिस के पास छुपा हुआ है, वो मुझे फिर मारने की तलाश में है। तो उस मुक्त एविडेंस आपके पास है कि आपने पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं की? पुलिस के सामने 10 बार प्रस्तुत की, पुलिस उठा के फाड़ देती है, कोर्ट के ऑर्डर भी लिखा है पुलिस को, पुलिस सब ऑर्डर फाड़ देती है, कोई ऑर्डर नहीं मानती, उन्हें पैसा पसंद है।
उन्होंने कहा हमें कहा योगी जी ने कि आप इन्हें मार दीजिए जान से या गंभीर मुकदमे में फांस दीजिए, लेकिन हम इनको इसलिए गंभीर मुकदमों में नहीं फांस रहे क्योंकि हमारे लिए 10,000 बड़े हैं, योगी का आर्डर बड़ा नहीं है। ये जो आपको कौन सी थाना पुलिस का आरोप लगा है, कौन सी थाना पुलिस द्वारा आपको किया जा रहा है? ये हमें पुलिस ने बताया कि ये SSP के और बड़े अधिकारियों के सबके ऑर्डर हैं और SFA भी ऑर्डर है, सबके ऑर्डर है, ऊपर से ही ऑर्डर आए, इसलिए उस ऑर्डर को हम लोग बजा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप, कोर्ट जो है हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या? हम अभी तो UNA में गए हैं और UNA संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हमने दरवाजा खटखटाया है क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जो अल्पसंख्यक के साथ जुल्म कर रही है वो आप सब कुछ से छुपा नहीं है। इतना जुल्म तो कभी दुनिया में किसी के ऊपर नहीं हो रहा होगा, शायद नेल्सन मंडेला पे भी वहाँ पर अफ्रीका में नहीं हुआ था इतना जुल्म जितना यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी जालिम सरकार आई हुई है, उसके खिलाफ UNA ही इंसाफ कर सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने में तो यही UNA भी काम कर सकता है। और इसके लिए हमने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा है, अगर मौका हुआ तो हम वहाँ पर फिर जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वहाँ से अगर कोई इंसाफ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर UNA ही हमारा इंसाफ करेगा। मुकदमे कौन सी सन में हुए थे और कौन सी सन में आपको दोष मुक्त किया गया? सन 2000 में लगे थे और सन 2000 के बाद हमारे पास ये कॉपी है, इसके अंदर ऑर्डिनेंस लगे हुए सर और इसमें सब मौजूद है कि कब कब हमारे दोष मुक्त हुए थे। UNO में आपने एप्लीकेशन दे दी है जिस तरीके से आप कह रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि दे दिए? हमने ईमेल्स के जरिए से सब एप्लीकेशन अपनी UNO को भेज दिए। कब? ये हमने परसों भेज दिए।